हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ओप्पो मोबाइल में कॉल ऑटोमेटिक हैंगअप वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे इस प्रॉब्लम को 100% ठीक करेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या ऐप्स नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो गाइस, आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर आपको ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब गाइस, क्या करना है, ऊपर की साइड 2 या 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको शो सिस्टम पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सिस्टम ऐप्स आ जाएंगे। अब आपको सर्च बार में क्लिक करके लिखना है फ़ोन। जैसे ही फ़ोन लिखेंगे फ़ोन वाले ऐप्स आ जाएंगे। फ़ोन वाले ऐप पे क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है या स्टोरेज पे। फिर यहाँ से आपको क्लियर डेटा और ओके कर देना है। इसी तरह गाइस, आप सभी ऐप को कर देना। दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं, फिर देखिए तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे, आप सभी को बारी बारी से कर देना। देखिए आपको इतना करने के बाद क्या करना है, फिर से आपको सर्च बार में क्लिक करके लिखना है कॉल। तो जैसे कॉल लिखेंगे तो कॉल मैनेजमेंट आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और इसे भी स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर डेटा कर देना है। फिर गाइस, फ़ोन कॉल SMS पे क्लिक करके इसे भी यहाँ से क्लियर डेटा कर देना है। अब गाइस, इतना काम करने के बाद बैक आना है। और गाइस, अब आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट कर लेना है, या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। फिर गाइस, आप में यूजुअली प्रॉब्लम आ रही थी कॉल हैंगअप वाली, एक कभी भी नहीं आएगी हमेशा के लिए। तो गाइस, इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।